हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी लोग एकदम बढ़िया जबरदस्त जिंदाबाद हो गए भाई साहब। तो हम ऐसी जगह आ चुके हैं जो हमारे गांव की सबसे हॉरर प्लेस है, यानी कि हर कोई डरता है, बच्चों को डरवाया जाता है कि ताकि बच्चे घूमने ना जाए शाम को वहां पर, ठीक है? तो डरवाया जाता है तो इसे हम डर जाते हैं, तो मतलब उसे बहुत हॉरर मानने लगते हैं। लेकिन अपने ज़माने में थे गुरु तो 2 बजे आम बीनने निकलते थे, इधर ही साते थे, किसी को जगाते नहीं थे। क्यों नहीं जगाते थे? इसका साफ सा कारण था कि कहीं वो बंदा ना पा जाए आम और हम कहीं कम ना पा जाए, यही डर लगा रहता था। इसी कसमकस में हम 2 बजे रात को दबा दिया करते थे गुरु, उसी वैसे भी गए हुए हैं। पहले उस पेड़ के नीचे बीनते थे जो सामने दिख रहा है जस्ट सबसे लास्ट में, अभी दिखलाते हैं आपको, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो देखो सबसे लास्ट में जो आगे वाला पेड़ है, नहीं पीछे वाला पेड़ जो है गन्ने के बगल से हो, इधर ही जाते थे। फिर उधर एक और बगिया है तो उस बगिये में जाते थे, वहाँ पर भी जो है धावा बोल के आम बीन कर लेकर चले आते थे। और जब तक सुबह होती थी फिर गिर उड़ के, मतलब किसी को शक नहीं होता था कि कोई आम बीन ले गया। तो यही सब था गुरु। हाँ, उधर जलकुम्भी है, जलकुम्भी आप लोगों को दिखलाते, लेकिन पानी जाने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी चल देते हैं, थोड़ा सा कष्ट करेंगे क्योंकि वह बैकग्राउंड एक प्रकार से अगर यही। तो देखो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। अच्छा, गुस्सा गए, अच्छा नहीं कहेंगे, अच्छा लगे तभी करना गुरु, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं पीछे जलकुम्भी थी और हमने दिखलाया एक जलकुम्भी है, ठीक है? कैसा लग रहा है आपको एक जलकुम्भी? ठीक है, बहुत ख़तरनाक होता है क्योंकि इसमें आप जाएंगे तो फिर निकल नहीं पाएंगे, बाज कर रह जाएंगे। आप बहुत बड़े मतलब तैराक हो, अनुभव हो आपका, तो भले निकल सकते हैं आप, नहीं नया बंदा जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसमें मछलियाँ थीं, जलाई गई थीं, पर कोई ब्लुक नहीं रही है, मतलब इधर उधर नहीं हो रही हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यही माहौल है, यह इसका नाम है भिरियावा। यहाँ पर आने से हर कोई डरता है लेकिन अच्छे तरीके से जानते हैं इसको, ठीक है? तो आप लोग देख सकते हैं महुआ का पेड़ है जिससे काफ़ी चीज़ें बनती हैं। तो आपको अगर जो नहीं पता है तो आप रिसर्च कर सकते हैं, और नहीं तो आप अपने आप पे छोड़ सकते हैं, ऐसे छोड़ सकते हैं कि हो ही कौन चीज़, मतलब कोई चीज़ होगी, ठीक है? तो हम आए थे अपनी साइकिल से, चलें हम। तो यहाँ पर बहुत पानी भरा हुआ था तो मतलब ऐसे फिर रिटर्न होना पड़ रहा है, पूरा नहीं बना पाए, लेकिन हाँ एक दिन पूरा इसका बढ़िया ब्लॉग जो यहाँ पर घूमने टहलने आते थे उनके साथ में आएंगे, उनकी कुछ बातें जो पुरानी होंगी वो भी शेयर करेंगे। अच्छा, आप भी एक खूबसूरत जगह ज़रूर जाइए, वह खूबसूरत जगह जहाँ आपको आपने सबसे ज़्यादा पल बिताया हो, और आप जो है पिछले 2 महीने से वहाँ पर दूर हो गए हैं वहाँ से, ठीक है? तो काफ़ी अच्छा महसूस होता है, लगता है गुरु 15 साल पीछे या कुछ साल पीछे आ गए हैं। हाँ, एक्चुअली आप उतने ही उसी वर्ष उसी मतलब उम्र में होते हैं, लेकिन माइंड है कहीं पर भी ले जा सकता है। तो आप देख सकते हैं महुआ का पेड़, माइंड तो UPSC भी क्रैक करवा देता है ना, तो ये तो आम बात है। तो चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, ठीक है? और लाइक वाइक थोड़ा अपने तरफ से जो हो सके, और कमेंट भी कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।